नमस्कार दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। दोस्तों इसे कहते हैं हैदराबादी बिरयानी का दम दिखाना। जिस तरीके से कल के मैच में दोस्तों हैदराबाद ने मैच खेला है, ऐसा कभी भी नहीं लगा कि चेन्नई जो है तो वो पहले ओवर से ही ऐसा लग रहा था कि चेन्नई जो है तो इस मैच में कभी भी आगे नहीं है। ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद जो है तो हर एक क्षेत्र में जो है तो आगे दिखाई दे रही थी। अगर हम लोग शुभम दुबे की बैटिंग की बात अगर छोड़ दें चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में, तो ऐसा कभी भी नहीं लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स काफ़ी डोमिनेट कर रही है और काफ़ी अच्छा खेल रही है पिछले मैच की तरह। ऐसा लगा कि चेन्नई सुपर किंग्स जो है तो दोस्तों एक एक रन के लिए तरस रही है। उनसे ना ही तो रन बन रहे थे और ना ही तो बड़े शॉट लग रहे थे अंतिम ओवर में। अभी अगर हम 5 से 7 ओवर की बात करें दोस्तों, तो सिर्फ 60 से 70 रन जो है तो चेन्नई ने बनाए। काफ़ी विकेट तो नहीं गिरे थे, लेकिन जो हैदराबाद के गेंदबाज थे उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और चेन्नई के बैट्समैन को चुप रहने के लिए मजबूर किया, जिसमें कि भुवनेश्वर कुमार हो या फिर जयदेव उनादकट हो या फिर पैट कमिंस हो, स्लोअर वन हो या फिर कटर्स, गेंदबाजी काफ़ी अच्छी गेंदबाजी रही हैदराबाद की ओर से और जिन्होंने कि 165 रन पर चेन्नई सुपर किंग्स को रोक दिया था। इस स्कोर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जो हैदराबाद के बैट्समैन है इसे कुछ 15 ओवरों में ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों। लेकिन जब भी हैदराबाद की टीम बैटिंग करने उतरी तो ऐसा लग रहा था कि कभी भी चेन्नई जो है तो इस मैच को जीत नहीं सकते, जिसमें कि अभिषेक शर्मा ने काफ़ी तबीयत से कुटाई करते हुए 12 गेंदों पर 36 रन बनाए और अपनी टीम का जो स्कोर है दोस्तों पावर प्ले में ही उन्होंने आधे रन तो पावर प्ले में ही बना दिए थे, जो कि 80 के करीब रन 164 रन का टारगेट चेस करते हो। अगर आप लोग पावर प्ले में ही अगर आधे रन बना देते हो तो आपकी टीम का हारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसी तरीके से अभिषेक शर्मा ने काफ़ी युवा बैट्समैन है दोस्तों, उन्होंने काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी गेंदबाजों की पावर प्ले में कुटाई की और 12 गेंदों पर 36 रन बनाए। दूसरी ओर से आर्यन मार्करम जो कि एक विकेट गिरने के बाद बैटिंग करने के लिए आए थे, उन्होंने भी स्पिनर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से खेला, डोमिनेट करते हुए खेला। दूसरी ओर से दोस्तों ट्रेविस हेड जो कि पिछले 2 महीने से हमारे इंडियन फैंस को काफ़ी परेशान कर रहे थे, उन्होंने भी चेन्नई को भी आज काफ़ी परेशान किया और काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हुए दोनों ने जीत की तरफ लेकर गए। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले कहा गया था कि हैदराबाद की टीम में काफ़ी ज़्यादा दाएं हाथ के बैट्समैन है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, इसलिए जो है तो मैं कैसी का कहना था कि हम लोगों ने एक अपना ऑफ स्पिनर जो है तो टीम में शामिल कर लिया, लेकिन दोस्तों मोइन अली को उन्होंने ओवर देते देते काफ़ी देर कर दी और जो मैच है लगभग ख़त्म ही हो गया था। तो दोस्तों अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक और चैनल कीजिए सब्सक्राइब।